Hi everyone, good evening to all of you. आज की क्लास में सबसे पहले तो हम अपना फिनिश कर लेते हैं टॉपिक. दो टॉपिक बची हैं, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. पहले ये फिनिश करेंगे, उसके बाद में हम एक और टॉपिक है ट्रांसनेशनल एक्टर्स का क्या रोल होता है वो फिनिश करेंगे. उसके बाद वी विल बी डन विद दिस टॉपिक. देखिए, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेसिकली मिलकर के ये दी थी. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है रॉबर्ट जिल्पिंग का, इसमें व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, जैसे रॉबर्ट जिल्पिंग हो गए, ऐसे ही चार्ल्स किंडरबर्ग हो गए, स्टीफन क्रासनर, रॉबर्ट क्योहानी, ये सभी काफ़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप की मिलकर के हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. हेजीमन क्या होता है? हेजीमन एक ऐसा स्टेट होता है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है जिससे कि वो बाकी सभी स्टेट्स के ऊपर ओवर पावर कर पाता है, मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है इंटरनेशनल सिस्टम में. तो उस हिसाब से हम ये कवर करेंगे. ठीक है, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी देखेंगे कि क्या इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स इसमें डाले गए, वो सभी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. तो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, इट वॉज गिवन बाय, दो तीन नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट जिल्पिन. नेक्स्ट रॉबर्ट क्योहानी. नेक्स्ट चार्ल्स किंडबर्ग. इन्होंने दी थी. ठीक है, तो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी का पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. देखिए, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी में बेसिक एम क्या है, इसमें बेसिक थीम होती है कि इसमें हेजीमोनी का जस्टिफाई किया जाता है. सो बेसिकली इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ हेजीमोनी, नथिंग बट द जस्टिफिकेशन ऑफ हेजीमोनी. और क्यों इसको इतना जस्टिफाई किया जाता है वो देखते हैं. Why hegemony is justified? क्यों इसको justify किया जाता है? इसके पीछे reason है ताकि peace and order maintain किया जा सके international society में. To maintain peace and order in the international सोसाइटी. पहले मैं लिख रही हूं, बाद में एंड में आपको समझाऊंगी पूरा.
लिख लीजिए।
आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू
यस, दिस इज द वैल्यू एडिशन। एक्चुअली आपको ये वाली जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ ये फर्स्ट उसमें पढ़नी है। उसके बाद जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो मैंने स्कैन करके डालूंगी इस पूरे कॉन्सेप्ट्स के लिए, की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो भी पढ़ना है साथ में, ठीक है? उसके बेसिस पे थोड़ा रिलेट करके आपको आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग के लिए आई थिंक, लेट मी चेक, मैंने बना तो दिया है, अपकमिंग में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेट मी मस्त वेट अ मिनट। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, एक्चुअली मैंने उनको बोला था लॉन्च करने के लिए, इफ नॉट लॉन्च इट येट। वेट अ मिनट, वैसे तो बेसिकली मैंने रात को स्टार्ट किया आंसर राइटिंग का कोर्स 9 बजे। इट इज गोइंग टू बी 9 o'clock। वेट अ मिनट, चाहिए है बैच नंबर 8 का। सॉरी, आपका कोर्स पेज भी बनाना है मुझे बैच नंबर 7 के लिए, उसमें आप कर सकती हैं। लेट मी सी, लॉन्च हो जाएगा ये। इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स जो आगे आएंगे ना, अभी इसके बाद खत्म होगा, और फिर आएंगे टॉपिक्स जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, वो आपको फ्री में हेल्प करेगा। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट ओपिनियंस पे ध्यान देंगे। तो अगर आपको प्री लेवल के लिए इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है, लाइक जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से, तो उसका कोर्स हिंदी मीडियम के लिए IR का अलग से आएगा, उसमें आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है? उसके लिए अलग से कोर्स रहेगा, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे, एक एक प्रोजेक्ट की जगह हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो सभी चीज़ कवर कर लेंगे।
वैसे खुशी, आर यू लाइव राइट नाउ? तो आई रिकमेंड यू कि अगर आपको कोई भी अपडेशन करना है अपने PSIR में, जैसे बैच 6 के तो सेशंस आपने देखे ही होंगे, इट इज़ बेटर टू गो फॉर बैच 8 के अपडेशंस। इनफैक्ट मैंने बैच नंबर 7 वालों को भी बोला है कि कुछ अलग से मैं क्लासेस ले रही हूँ क्लास नोट्स के नाम से, उस पर मैं डिक्टेट करा रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट और डेटा है, कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स और कॉमेंट्रीज हैं जो मैं ऐड करा रही हूँ अभी रिसेंटली बैच नंबर 8 में। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर द अपडेशन फ्रॉम द बैच नंबर 8 रादर देन बैच नंबर 7। यहाँ पर भी हो रहा है, फर्दर इसका आगे और डेवलपमेंट होगा बाय द टाइम मैं बैच नंबर 8 का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लूँगी, तो उसमें और डेटा ऐड अप हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आई थिंक बैच नंबर 8 काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अपडेटेड, बट आने वाले टाइम में थोड़ा और अपडेशन हो सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप लोग वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, क्लास नोट्स के हिसाब से क्लासेस अलग रहेंगी, मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैं कोशिश कर रही हूँ डील करने की और भी ज़्यादा। तो
सो दिस इज अबाउट हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. देखिए, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है क्या? हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी रॉबर्ट जिल्पिन, रॉबर्ट क्योहाने, चार्ल्स किंडरबर्गर, काफ़ी इसमें स्कॉलर्स थे जिन्होंने मिलकर के काफ़ी इससे रिलेटेड थ्योरीज दी. बेसिकली हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में मेन जो नाम आपको लिखना है वो रॉबर्ट जिल्पिन आप लिख सकते हैं. अब इसमें बेसिक थीम ये थी कि हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में ये हेजीमनी को जस्टिफाई करते हैं कि कैसे अगर किसी एक कंट्री की हेजीमनी यानी डोमिनेंस रहती है, जैसे यूएसए अगर डोमिनेंट है तो उसके चलते जो इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर है वो स्टेबलाइज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है. तो इसका जस्टिफिकेशन का रीज़न ही यही है ताकि पीस एंड ऑर्डर इंटरनेशनल सोसाइटी में मेंटेन किया जा सके. ये इस अजम्पशन पे काम करता है कि अगर एक ग्लोबल पुलिसमैन है, यानी एक अगर हेजीमन है जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो एज अ पुलिसमैन सभी को मॉनिटर करता है, तो इसके चलते पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी में पीस रहेगा. तो ये अजम्पशन इसमें लिया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो स्टेट एस्टैब्लिश किए जाते हैं ऐसा स्टेट रूल ऑफ लॉ पे एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि ऐसा स्टेट खुद नॉर्म्स एस्टैब्लिश करेगा. ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जब एस्टैब्लिश किया गया यूएसए ने किया था, स्टार्ट किया था इसको 1919 में जब लीग ऑफ नेशन प्रपोज किया था. काम नहीं कर पाया लीग ऑफ नेशन तो आगे जाकर के प्रपोज करेंगे यूनाइटेड नेशन. लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली ये सब चीज़ें की गई. और लिबरल से होगा क्या कि आपस में जो कंट्रीज होंगी वो इंटरडिपेंडेंट होंगी, एंड बिकॉज दे विल बी इंटरडिपेंडेंट तो वो लोग वॉर नहीं करेंगे. वो लोग वॉर नहीं करेंगे का मतलब है कि स्टेबिलिटी रहेगी इंटरनेशनल सोसाइटी में. सो एक तो ये चीज़ है. दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो भी एक्टर होगा, जो भी डोमिनेंट है, उसके पास में एक तो वो एक्टर विलिंग होना चाहिए ये काम करने के लिए, दूसरा उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बाकी सभी जो स्टेट्स है इंटरनेशनल सोसाइटी में उनको मॉनिटर कर सके, इतनी कैपेसिटी उनके नॉर्म्स को ऑब्जर्व कर सके. तो इस पोजिशन पर ज़रूर होना चाहिए वो कि वो कोई भी अगर लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को, ये वर्ल्ड ऑर्डर को, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो ऐसे स्टेट को पनिश करे. इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ऐसे हेजीमन के पास में. तो हेजीमन की दो क्वालिटीज़ बताते हैं ये स्कॉलर्स, एक तो कैपेसिटी के बेसिस पे और दूसरा विलिंगनेस के बेसिस पे. तो यानी आप अपना जब भी अगर क्वेश्चन आता है हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी पे तो यू शुड डिस्कस अबाउट दिस बोथ द टर्म कैपेसिटी एंड विलिंगनेस. एग्जाम्पल दे सकते हो कि वर्ल्ड वॉर टू तक यूएसए के पास में विलिंगनेस नहीं थी, ऑल दो कैपेसिटी थी. जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो 1919 में यूएसए चाहता था कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो, कैपेसिटी भी थी यूएसए के पास में, लेकिन यूएसए ने विलिंगनेस नहीं दिखाई और जो चार्ज था लीग ऑफ नेशन का वो ब्रिटेन एंड फ्रांस को दिया. और ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास में देखिए कैपेसिटी एक बार को बोल भी सकते हो आप कि शायद हो सकती है, बट लैक ऑफ मोटिवेशन थी. और लैक ऑफ मोटिवेशन दर्शाता है विलिंगनेस को, मतलब कि विलिंग नहीं थे ये कंट्रीज इसको एस्टैब्लिश करने में. ये भी रीजन था कि लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर टू हुआ. अब आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही यूएसए विलिंग भी हो जाएगा, कैपेसिटी तो होगी ही, और उसी के बाद में हम देखेंगे कि उसके बाद से ऐसे कभी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है. हालांकि ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं जैसे वियतनाम वॉर और ये सब चीजें. लेकिन हेजीमोनिक स्टेबिलिटी के चलते कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोसाइटी में स्टेबिलिटी जरूर आई. तो हेजीमनी जो वर्ड है वो आता है हेजीमोनिया वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब ही होता है लीडरशिप एंड रूल करना. तो हेजीमनी एक टाइप की एबिलिटी होती है एक स्टेट की, जिसके पास में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम को अपने हिसाब से किसी भी मीन्स के थ्रू, या तो सॉफ्ट मीन्स के थ्रू या हार्ड मीन्स के थ्रू, या मतलब फोर्स करके या बिना फोर्स किए एस्टैब्लिश कर सकता है स्टेबिलिटी, शेप कर सकता है अपने मुताबिक, चेंज कर सकता है. सो
रियलिज्म में हमने देखा था कि रियलिज्म में कोई भी एक मोनोलिथिक थ्योरी नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोलिथिक थ्योरी? मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक प्रकार के व्यूज नहीं है सारे रियलिस्ट के। हमने रियलिज्म का स्कूल पढ़ा था, हमने इसमें देखा था कि एक तो क्लासिकल रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल है, नियो क्लासिकल है, अलग अलग प्रकार के रियलिज्म है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग बातें बोलते हैं ये स्कॉलर्स। तो उसी में जब रियलिस्ट डिफाइन करते हैं इसलिए हेजेमनी को, तो दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उनके लिए हेजेमनी होती है कि यू नो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वो डिफाइन करते हैं कि ऐसा स्टेट जिसके पास में बहुत ज्यादा पावर है वही यू नो हेजेमनी को वो सोचते हैं। क्योंकि जो रियलिस्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पावर के टर्म्स में, पावर के टर्म्स में ज्यादा सोचते हैं, दैट्स वाई। तो उस बिहाफ पे हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि दे डिफाइन इट सेकेंडली डिफाइन करते हैं दैट इट इज द एबिलिटी टू यूज दिस पावर टू डोमिनेट अदर्स। ठीक है, तो पहले तो पावर के टर्म्स में ही ये लोग सोचेंगे, उसके बाद दूसरे टर्म में सोचेंगे रियलिस्ट के लिए। तो अगर हमें कोई एग्जाम्पल देने हो हेजेमन्स के, तो आप इसमें इनफैक्ट क्रेसनर का भी ले सकते हो। इनफैक्ट एक और हमारे स्टीफन क्रेसनर थे, स्कॉलर थे, मैं हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, उन्होंने भी हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में काम किया है, उनके भी काफी आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, तो अपनी उसमें आर्ग्यू ये किया करते थे कि वेरिएबिलिटी बहुत है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा किसी एक हेजिमन को ये रियलाइज करने में कि ग्लोबलाइजेशन से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ओपन ट्रेड से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। इनका अपना ही मतलब एक स्टैंड पॉइंट था, तो इन्होंने हाईलाइट किया है देखिए कि हेजिमनिक स्टेबिलिटी में ये चीज इन्होंने पहले बोली। जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू तक हम देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन होगा जो कि हेजिमन होगा सब चीजों में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएसए हो जाएगा। और हेजिमनी का स्पैन ये माना जाता है कि कोई भी कंट्री हो वो 100 सालों तक ही डोमिनेट कर सकती है। तो 1945 में डोमिनेशन स्टार्ट हुआ था अगर यूएसए का, तो 2045 तक, इसीलिए बोलते हैं आजकल कि यूएसए की हेजिमनी डिक्लाइन हो रही है, कि तब तक डिक्लाइन हो जाएगी। क्योंकि इस थ्योरी के चलते ये माना जाता है कि जो लाइफ स्पैन होता है हेजिमनी का वो सिर्फ 100 साल का होता है। ब्रिटेन का भी 100 ही साल का था, उसके बाद ब्रिटेन का भी, क्योंकि रीजन ये है कि देखो आप 100 सालों तक ही मेंटेन कर सकते हो इवन इफ आपके पास में कितनी पावर या कैपेसिटी हो। जैसे यूएसए ने अपनी इतनी सारी जो मिलिट्री और अपना टैक्स पेयर्स का पैसा था, जितना उनके पास में इकोनॉमिक पावर थी, उन्होंने वो चीज को ओवर स्ट्रेच कर दिया काफी उस पे। ठीक है, एट द सेम टाइम जो भी ये चीज इनिशिएट करते हैं उसका फायदा कोई ना कोई उठाता है। जैसे जब ब्रिटेन था हेजेमन तो उसका फायदा यूएसए ने उठाया, अब यूएसए हेजेमन है तो फ्री राइडर आएंगे चाइना, तो चाइना फायदा उठाएगा। हो सकता है अभी 100 साल कंप्लीट होने जब लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि चाइना हेजेमन बन जाएगा। चाइना के पास में सरप्लस है, चाइना बहुत ही जल्दी यूएसए को सरपास भी कर जाएगा इस मामले में। तो इसीलिए बोला जाता है एक होता है पैक्स ब्रिटेनिका, मतलब कि ब्रिटेन की वजह से पूरे वर्ल्ड में पीस डिक्टेटेड था। आगे आता है पैक्स अमेरिकाना। ब्रिटेन तो फेल हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 को भी यू नो अवॉइड नहीं कर पाया, फिर से वर्ल्ड वॉर 2 भी अवॉइड नहीं कर पाया। तो उसके बाद आता है पैक्स अमेरिकाना, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी में अमेरिका की वजह से ही पीस प्रेवलेंट है। ठीक है, दोनों ही आप देखोगे दोनों कंट्री ऐसा पुरानी उसमें माना जाता है, हालांकि आज के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन पहले माना जाता था जो कंट्री ओशन को कंट्रोल करती है वही कंट्री वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। एंड दोनों ही आइलैंड नेशन है, नेवल पावर है दोनों के पास में, और दोनों ही लिबरल कैपिटलिस्ट नेशन है। अब बारी आती है कि चाइना का भी आप देखोगे तो चाइना भी इसी में डोमिनेट करने की सोच रही है, नेवल पावर काफी अच्छा बनने की सोच रही है। एट द सेम टाइम चाइना तो अब लैंड, इनफैक्ट यू नो एक थ्योरी ऐसी भी आती है कि अगला जो हेजेमन होगा, या अब जो वर्ल्ड मतलब पूरा जो ग्रेविटी चेंज होगी वो नेवल पावर से, ये ओशन से हट करके लैंड पावर पे जाएगी, क्योंकि अब लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है।
ये भी एक टाइप की थ्योरी, आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये स्पैन है। तो कंट्रीज क्यों किसी हेजिमन को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई। और ये खुद क्यों बनना चाहेंगे हेजिमन? क्योंकि हेजिमन जब आप बनते हो तो आप रूल डिक्टेट करते हो, और इससे आपकी कंट्री को भी फायदा होता है, आपके सिस्टम को, आपकी इकोनॉमी। जैसे यूएसए को बहुत फायदा हुआ है डिक्टेट किया है यूएसए ने रूल्स और ये सब चीजें, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या दूसरी बॉडी हो। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि हेजिमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी एक वैसे तो रियलिस्ट थ्योरी है, लेकिन ये एक ऐसी रियलिस्ट थ्योरी है जिसमें जो रियलिस्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। हेजिमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी इज अ रियलिस्ट थ्योरी जो एक्सेप्ट करती है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। यूजुअली हम देखते हैं कि रियलिस्ट लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो वेस्टफेलियन ऑर्डर में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हेजिमनी स्टेबिलिटी थ्योरी इज लाइक दैट। तो ये रियलिस्ट थ्योरी है हेजिमनी की। वो जो ग्रामशियन का हेजिमनी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो अलग है, वो एक अलग टाइप के डोमिनेशन थी। वो जो डोमिनेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और आइडियोलॉजी के बेसिस पे थी। यहाँ पे आइडियोलॉजी और कल्चर भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर भी इसमें काम में आएगी। वहां पर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर यूज नहीं की जाती है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर जो ग्रामशियन की थ्योरी ऑफ हेजिमनी है और रियलिस्ट की थ्योरी ऑफ हेजिमनी, थोड़ा सा ये भी हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं हेजिमनी स्टेबिलिटी थ्योरी के साथ में। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि ऑल्दो इसके चलते हमको पता चलता है कि कैसे दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन होगा, पूरा एनालिसिस इसके बेसिस पे होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हम देखेंगे कि इस थ्योरी की भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। सबसे पहले हेजिमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि टैरिफ लेवल्स डाउन किए जाते हैं। लेकिन टैरिफ लेवल्स हर जगह पे सब्जेक्टिव हैं, कुछ मामलों में टैरिफ लेवल्स हाई हैं, कुछ मामलों में हटा दिए गए हैं, तो ये एक शॉर्टकमिंग है। दूसरा ये होता है कि जिस हिसाब से पावर पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है उसमें भी वेरिएबिलिटी है, वो भी इंक्रीज चेंज होता रहता है, बेसिकली वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ऐसे ही जो स्टेट है, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टेट को ये टाइम लग जाता है जानने में कि उसके पास में इतनी पावर है कि वो हेजिमन बन सकती है। और मान लीजिए एक बार रियलाइज हो भी गया कि हमारे पास में इंटरनेशनल स्केल पे इतनी पावर है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो सिटीजन्स हैं वो नोटिस ना कर पाए कि उनके पास में कितनी पावर है। तो ऐसे में कोई कंट्री के पास में कैपेसिटी है लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बन रही है, तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं मार्केट पे, ट्रेड पे, ये सभी इसके शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हेजिमानिक स्टेबिलिटी थ्योरी। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, विच इज ये कवर करेंगे। बहुत टाइप के ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं आज के टाइम पे, वो कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक।
नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं सौरभ? एक होता है स्टेट एक्टर, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का पार्ट, ठीक है, कंट्री।
नॉन स्टेट रहता है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, जैसे MNCs, ठीक है, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हो गए, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, करेक्ट? आया समझ? चलिए आगे कवर करते हैं। ट्रांसनेशनल एक्टर्स पढ़ते हैं। ट्रांसनेशनल एक्टर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिए थोड़ा सा एंड में, मैं ये चीज आपको फर्दर बता दूंगी डिटेल में। वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन आर एन इंटीग्रेटेड 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 सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग, दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज on its population, on its population. देखिए टाइप ऑफ फैक्टर्स, टाइप ऑफ एक्टर्स, फर्स्ट इज स्टेट एक्टर्स, नेक्स्ट इंटरनेशनल एक्टर्स, नेक्स्ट
ट्रांसनेशनल एक्टर्स, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, इसमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज द यू नो ट्रांसनेशनल एक्टर्स. तो राइट, ट्रांसनेशनल एक्टर्स आर नॉन स्टेट एक्टर्स हैविंग ऑपरेशंस बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होगा, बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है, एक से ज्यादा. So you can call them as sub-state actors also. Sub-state actors भी बोल सकते हैं इनको. तो लिखिए, for example, international organization, multinational companies, MNCs, NGOs, non-governmental organizations. ठीक है, तो इसमें पहले लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे पहला लिखिए इसमें, दे आर इंस्टीट्यूशंस विद फॉर्मल मेंबरशिप एंड प्रोसीजर. ओनली स्टेट्स आर मेंबर्स, यानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हो सकते. Only state are members and states are members and membership हालांकि universal हो सकती है या limited भी हो सकती है. It can be limited or universal. Their purpose can be narrow or broad. Purpose कैसा भी हो सकता है. For example, OPEC, oil, for example, Organization of Petroleum Exporting Countries. ओपेक, या फिर आप इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हो, अफ्रीकन यूनियन, ईयू और आसियान, इस टाइप के एग्जांपल्स इसमें दिए जा सकते हैं. ठीक है, सेकंड, एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, corporations, multinational corporations. MNCs are organizations that seek to
देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू मेक अ प्रॉफिट बाय एंगेजिंग मेक अ प्रॉफिट बाय एंगेजिंग इन फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय एंगेजिंग इन फॉरेन प्रोडक्ट्स। By engaging in foreign products, they are the drivers of global economic integration. They are the drivers of global economic integration. They are the drivers of global economic integration. They help states in profit maximizing. They help state in profit maximizing. In profit maximizing. Today, a growing number of multinational companies from China, India, Russia, and other emerging market states growing number of multinational companies from China, India, Russia, and other emerging market states are offering an alternative source of investment that weakens the political and economic leverage of Western government and economic leverage of Western governments. Example में लिख लीजिए कुछ popular MNCs के नाम, Coca-Cola, Sony, 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 LG, etc. उसके बाद आते हैं एनजीओज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दे आर प्राइवेट सेल्फ गवर्निंग प्राइवेट होते हैं, खुद ही अपने आप को गवर्न करते हैं, सेल्फ गवर्निंग। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल में लिख लीजिए, पहले लिखिए दे आर वर्किंग ऑन ट्रांसनेशनल इश्यूज। Today, NGOs are working on transnational issues such as environment,
सच एज एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल इश्यूज एंड सोशल इश्यूज। And social issues. Example, लिखिए ग्रीन पीस। एनजीओ में एग्जाम्पल लिखिए ग्रीन पीस। डॉक्टर्स विदाउट borders, doctors without borders, या फिर international red cross। next लिखिए
दिस इज अबाउट द एनालिसिस ऑफ एमएनसीज। इसके अलावा थोड़ा सा एनजीओ वाला पढ़ा है, एंड उसका जो भी पढ़ा है वो मैं आपको अलग से दूंगी, ठीक है? आई बी राइटिंग इट ऑन अ पीडीएफ एंड आई सेंड यू दैट। इसको थोड़ा सा डिस्कस करना रह गया है, बस कल डिस्कस करेंगे। कल भी हमारी क्लास है, ठीक है? सो कल डिस्कस करेंगे फर्दर, इसको वहाँ पे देखेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।